इसमें गरीबों का कोई स्थान ना हो। ए मेरे गरीब बहनों और भाइयों, आज मैं आपको आश्वासन देता हूं, आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मध्य प्रदेश के शहरों में गरीब की आवाज के लिए पर्याप्त स्थान होगा। और इसलिए एक तरफ हमने पट्टा देने का अभियान प्रारंभ किया है, वहीं दूसरी तरफ एक बार मैं फिर अपने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सभी गरीब बहनों भाइयों को कहना चाहता हूं कि चिंता मत करना, तुम्हारा पक्का घर बनने का सपना साकार भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। लगातार राज्य भी आपने देखा, हमने कई मकान के लिए पैसा डाला है, ये काम लगातार चलता रहेगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, बीएलसी घटक को हम वजन देंगे, मतलब आपके पास रहने की जगह, आपको जहां पट्टा दिया है, जहां आप रहते हैं, भाई आपको मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा ताकि आप अपना मकान भाव बना सके। और ये काम हम तेजी से करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो सपना देखा है 2024-25 तक हर गरीब का अपना घर हो। मेरे बहन और भाइयों, हम अगर सरकार चला रहे हैं तो इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार चला रहे हैं। अभी आपने कुछ बहनों और भाइयों को सुना, जब अपना घर बनता है तो कितना आनंद और प्रसन्नता होती है, बच्चों के चेहरे पर भी कैसी खुशी चमकती है। इसलिए सबका आवास, सबके लिए पट्टा, अरे भाई धरती पर पैदा हुआ है तो इतना हक तो है उसका कि रहने की जमीन का टुकड़ा उसका अपना हो। एक बात और मैं आज साफ कहना चाहता हूं, गर्व के साथ कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में हमने दबंगों से, गुंडों से, माफियाओं से, सफेद पोशों से कितनी जमीन बुलडोजर चला चला के मुक्त कराई, पता है? 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई हमने, 21,000 एकड़ जमीन अलग अलग शहरों में। शहर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। और आप देख रहे हैं रोज कहीं ना कहीं तो बुलडोजर चले ही जाता है, ये जमीन मुक्त कराते जा रहे हैं। और आज मैं उद्घोषणा कर रहा हूं, यह मुक्त कराई गई जमीन में जो जमीन आवास के लायक होगी वो जमीन गरीबों के घर के लिए आवंटित कर दी जाएगी, गरीबों के घर के लिए आवंटित करेंगे। उसी वजह से हम काम कर रहे हैं। दबंग गुंडे बदमाश जो संरक्षण प्राप्त करते थे कभी, वो जहां चाहे वह जमीन का टुकड़ा कब्जा ले, पर गरीब को रहने की जगह ना मिले, ये किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरा पर नहीं होने दिया जाएगा। हर गरीब का रहने की जमीन का टुकड़ा उसका होगा, यह हमारा संकल्प है। और इस संकल्प को पूरा करके हम चैन की सांस लेंगे। एक तरफ रहने की जगह मिले, दूसरी तरफ शहर ऐसा कि अगर कोई शहर में आए मजदूरी करने, कई भाई बहन आते हैं, कई बार निम्न मध्यम वर्ग की भाई बहन भी आते हैं। अब उनको भोजन की जरूरत होती है, वह बड़े होटल में या सामान्य होटल में भी चले जाए तो 100 रुपया 100 का नोट तो लग ही जाता है पेट भरने में। हमने तय किया, भूपेंद्र जी बैठे, 10 रुपए में भरपेट भोजन गरीब को शहर में निम्न मध्यम वर्गीय को मिल जाए, इसका इंतजाम करेंगे। अभी 100 केंद्र हमारे चल रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र जी 100 से काम नहीं चलेगा, ये और बढ़ाना पड़ेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बजट का इंतजाम हम कर रहे हैं। और ऐसे बड़े शहर जहां एक से ज्यादा दीनदयाल रसोई केंद्र की आवश्यकता है वो हम लगातार बढ़ाते रहेंगे। और छोटे शहर में भी अंततः हम एक तो ऐसा भोजन करने का केंद्र हो, क्योंकि शहर में बाहर से लोग आते हैं, गरीब को भी कई बार खाने की जरूरत पड़ सकती है, घर पर जो रहते हैं वो तो नहीं खाते, लेकिन बाहर से कोई काम करने आ गया 10 रुपए में भोजन मिल गया, ये बहुत बड़ी राहत है, कोई गरीब भूखा ना सोए ये संकल्प है, इसलिए ऐसे केंद्र हम बढ़ाते रहेंगे। तीसरी चीज, रैन बसेरे। भोपाल में कई बार, कई शहरों में मैंने घूम कर देखा है, अनेकों शहरों में गया है, मुझे गया हूं, मुझे कहते हुए मैं बधाई देता हूं भूपेंद्र जी आपकी टीम को, कि कई जगह मैंने रैन बसेरों में जाकर देखा कि सोने की ठीक व्यवस्था है कि नहीं, अधिकांश जगह सोने की ठीक व्यवस्था मुझे मिली, सर्दियों में रजाई ओढ़ने मिली। और जब उनसे बात करते हैं वो कहां लाज में रहते हैं, वो कहां होटल में जाते हैं, कई बार फुटपाथ पर सोते नजर आते हैं। हमारा एक संकल्प और है, कलेक्टर भोपाल और बाकी मित्र जानते हैं, जब मैं रेलवे स्टेशन देखने गया था तो मैंने देखा कुछ लोग फुटपाथ पर थे, हमने तय कर दिया मध्य प्रदेश में कोई फुटपाथ में नहीं सोएगा। उस समय अस्थायी टेंट लगा के भी सर्दी के दिनों में हमने पलंग और बिस्तर उपलब्ध कराने की कोशिश की थी। गरीब को भी सम्मान से जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। और इसलिए जो बुनियादी सुविधाएं, मैं अनाथ बच्चों की अनाथ नहीं कहूंगा, कई बार परिस्थिति बस कोई ना कोई बच्चा कहीं से घर से भाग के आ जाता है, या कई लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, भीख मंगवाने का काम करते हैं, कई बार नशे की आदत लग जाती है और नशे की आदत में फिर वो गलत राह पर चला जाता है, कई बार उसकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। और इसलिए हमने फैसला किया है कि हम समझाएंगे, वो जो हम कोशिश करते हैं, लेकिन कई बच्चे जिनको आदत नशे की लग जाती है वो फिर भाग जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे ऐसा कोई बच्चा बिना आश्रय के ना रहे, उसके लिए आश्रय स्थल कई जगह हमने बनाए हैं ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी हम कर पाए, उसका कपड़ा, उसका भोजन, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी बाकी व्यवस्थाएं ये हम ठीक से कर लें। एक और जरूरत है, शहरों में रोजगार की जरूरत। मेरे बहनों और भाइयों, मैंने कहा शहर ग्रोथ के इंजन है, तो शहर में कई बार रोजगार के लिए आते हैं, महानगर देख लें, दिल्ली देख लें, मुंबई देख लें, वैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर देख लें, आसपास के लोग रोजगार के लिए आते हैं। और जब प्रधान जी कह रहे थे स्ट्रीट वेंडर योजना की, प्रधानमंत्री को धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी को कितनी अच्छी योजना बनी पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना। मेरे बहनों और भाइयों, आप कल्पना कीजिए, भोपाल में हमने देखा कोई फल वाला, कोई सब्जी वाला, कोई चाय की दुकान वाला, कोई खोमते वाला, कोई पॉलिश करने वाला, छोटे मोटे काम धंधे फुटपाथ पर बैठ के करते हैं, उनको अगर सब्जी भाजी खरीदने के लिए पैसा चाहिए तो पठानी ब्याज पे, ऊंची ब्याज की दरों पे
वो रुपया लेते हैं किसी से उधार और जितना कमाते हैं उससे आधे से ज्यादा केवल ब्याज देने में चुका देते हैं। एक महीने में अगर 100 रुपया लिए तो 125-130 रुपया उससे वसूल कर लिए जाते हैं। ये पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना ऐसी है। मैं सभी स्ट्रीट वेंडरों को आश्वस्त करता हूं, हम लिस्टिंग करेंगे, हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और प्रणाथ जी हम यूनिक कार्ड भी उनके बनाएंगे और धीरे धीरे हर स्ट्रीट वेंडर को आपने देखा 5 लाख से ज्यादा को दे चुके, 1 लाख से ज्यादा को आज हम दे रहे हैं, उनके खाते में आज हमने पैसे डाले 1,15,000 या कितने अभी हमने डाले। मैं आश्वस्त करता हूं छोटा मोटा काम धंधा करने वाले शहरी भाइयों, फुटपाथ पे सामान बेचने वाले, चाय के ठेले वाले, पान की गुमटी वाले, खोखे वाले, छोटे मोटे किराने की दुकान वाले, मोची हो, अलग अलग व्यवसाय में छोटे मोटे कामों में लगे हो, ये 10,000 रुपया आपके लिए संजीवनी बनेगा। आपका काम धंधा चलाने के लिए हम धीरे धीरे सबको लाभान्वित करेंगे। और कितनी अच्छी योजना है, 10,000 लो साल भर में वापस करो बिना ब्याज के, जितने लेना है साल भर में उतने ही देना है, और 10,000 वापस कर दो तो 20,000 ले लो, 20,000 वापस कर दो तो 50,000 ले लो। अरे धीरे धीरे ऐसी तो समृद्धि की राह प्रारंभ होती है। और मुझे गर्व है स्ट्रीट वेंडर योजना में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। लेकिन हम केवल स्ट्रीट वेंडर की बात नहीं कर रहे, रोजगार कितनी योजना है मेरे नौजवान मित्रों को मैं कहना चाहता हूँ। एक नई अनेकों योजना है, अभी मुख्यमंत्री युवा उद्यम क्रांति योजना हमने प्रारंभ की और उस योजना में हमने तय किया नौजवान बच्चे जिनको अपना व्यवसाय शुरू करना है, छोटी मोटी इंडस्ट्री डालना है, तो 1,00,000 से 50,00,000 रुपए तक का लोन उसको मिलेगा और उसकी गारंटी सरकार लेगी, क्योंकि गारंटर कौन है, सरकार गारंटी लेगी। हम इंटरेस्ट सब्सिडी मतलब उसका ब्याज भरवाने का काम करेंगे, 7 साल तक हम ब्याज का 1% उसका भरवाने का काम करेंगे। अभी इंदौर में कार्यक्रम हुआ स्टार्टअप्स का, सम्मानित प्रधानमंत्री जी जुड़े थे, चमत्कार कर रहे हैं अपने शहर के बच्चे और शहरों में भी छोटे छोटे शहरों अलग अलग स्टार्टअप्स को उन्होंने प्रारंभ किए। आपको पता है 26 जनवरी से लेकर और 4-5 दिन पहले जब वो कार्यक्रम संपन्न हुआ था, 26 जनवरी से लेकर अब तक वो बच्चे जिनके पास आइडिया था, इनोवेटिव आइडिया, लेकिन पैसा लगाने नहीं था, हमने जो योजना बनाई उसमें 750 करोड़ रुपया इन बच्चों के आइडियाज पे इन्वेस्टर ने लगा दिया और हमने नई स्टार्टअप की नीति बना दी। तो स्ट्रीट वेंडर से लेके अगर इनोवेटिव आइडिया कोई तुम्हारे पास है, कचरा प्रबंधन से लेके किसी भी काम का, तो बच्चों चिंता मत करना, तुम्हें कैपिटल वेंचर फंड से राशि दिलाएंगे, किसी इन्वेस्टर से राशि दिलाएंगे, तुम्हारे सपनों को किसी भी कीमत पर मरने नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में हमने एक चीज और शुरू की, हर साल एक दिन हम रोजगार दिवस के रूप में मनाता, हर महीना एक दिन रोजगार दिवस के रूप में। और आज मैं कहना चाहता हूं बच्चों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, सरकारी नौकरी केवल एक विकल्प है, लेकिन आप जानते हो सबको सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती और इसलिए हमने तय किया रोजगार दिवस। आपको पता है 12 जनवरी को इसी साल 12 जनवरी को 5,24,000 बच्चों को स्वरोजगार का लोन दिला के उनका काम धंधा प्रारंभ करवाया, फिर 16 फरवरी को 5,04,000 को, फिर 31 मार्च को 3,33,000 को, और अब फिर अगला रोजगार दिवस हमारा प्रारंभ होने वाला है तो 2 लाख से ज्यादा तो इसी महीने हम दिलवा देंगे और हर महीने यह कार्यक्रम आयोजित करेंगे ताकि अपना रोजगार काम धंधे से लग सके। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला, रोटी के लिए रोजगार तो चाहिए, तो शहर रोजगार के केंद्र भी बने, ये कोशिश हम लगातार कर रहे हैं मेरे बहनों और भाइयों। अभी एक चीज और थी, अवैध कॉलोनी, वो एक समस्या थी। अब कई जगह शहरी भाई और बहन, मध्यम वर्ग के लोग, निम्न मध्यम वर्ग के लोग, जिंदगी भर की कमाई से जैसे तैसे उन्होंने एक प्लाट खरीदा, प्लाट खरीद के मकान भी बना लिया, जब मकान बना तब रोका टोकी भी नहीं हुई और बाद में कहा कि ये कॉलोनी तो अवैध है, कहां जाएगा वो आदमी। और हमने फैसला किया हम नई अवैध कॉलोनी नहीं बनने देंगे, पूरी नियम प्रक्रिया से बने, कोई भी बिल्डर गड़बड़ कर दे या नहीं होगा किसी भी कीमत पर, लेकिन पुरानी जितनी अवैध कॉलोनी थी हमने सबको वैध करने का फैसला किया है और इसकी एक सुनियोजित नीति बनाई है, उसके अंतर्गत वैध करने का काम होगा। अब कई बार इन कॉलोनियों में सड़क नहीं बन सकती, या पीने का पानी नहीं आ सकता, या बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। आज मैं ये फैसला आपके सामने जाहिर कर रहा हूं कि कॉलोनी विकास नियम 2021 के अंतर्गत जिनको अवैध कॉलोनी कहा जाता है उनमें भी हम बिजली के वैध कनेक्शन देंगे, उनको अंधेरे में नहीं रखेंगे। अभी इधर उधर से डाल डूल के जैसे तैसे जलाते हैं, ऐसे काय को जलाए, सीधे औपचारिक रूप से वैध बिजली का कनेक्शन ले, उसका भी हमने प्रावधान कर दिया है। शहरों में सभी परमिशन बिना किसी दिक्कत के निश्चित समय सीमा में मिल जाए, इसके लिए भी हमने कई ऑनलाइन व्यवस्था बनाई है, आज उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे हमने तय किया भवन अनुज्ञा मकान बनाने की परमिशन की समय सीमा पहले 30 दिन थी, घटा के अब केवल 15 दिन कर दी है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, शहरों में कोई परेशानी ना हो, इसके हर संभव प्रयास हम करेंगे। शहरों का गौरव दिवस, मैं आज सभी शहरवासी जुड़े हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी भी हमेशा कहते हैं कि अपने शहर का विकास अगर करना है तो केवल सरकार नहीं कर सकती, सरकार के साथ साथ समाज को भी जुटना होगा। इसलिए हमने तय किया है मध्य प्रदेश में हर शहर का हर गांव का गौरव दिवस मनेगा और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कई 31 शहरों में तो गौरव दिवस मन चुके,
और बाकी सबने गौरव दिवस की तैयारी कर ली है। इंदौर का गौरव दिवस का दिन तय हो गया है, भोपाल का गौरव दिवस का दिन तय हो गया है। मैं समाज को आज अपील करना चाहता हूँ कि सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन आपके शहर के गौरव दिवस में आप जरूर सम्मिलित होइए, तय कीजिए। और गौरव दिवस का मतलब वो 3 दिन का भी हो सकता है, वो 5 दिन का भी हो सकता है। शहर की विशेषताएं, शहर का इतिहास, शहर की ऐतिहासिक चीजें, उनका दर्शन कराना। और शहर में हम अपने तरफ से क्या कर सकते हैं, कई गांवों ने तो आंगनबाड़ियां गोद ले ली और किसानों ने आंगनबाड़ियों में अनाज भर दिया कि कुपोषण दूर करने के लिए हमारी तरफ से ये ले लो। मैं एक बात और कहता हूँ, शहरी आंगनबाड़ी अगर ठीक करनी है तो हम शहर में निकल के खिलौने इकट्ठे नहीं कर सकते। एक बार निकल जाएं, आंगनबाड़ी के बच्चों को खिलौने दे दो, जिनके पास जरूरत से ज्यादा है वो उन बच्चों को दे दें, जिनके पास खिलौने नहीं है। ये अभियान भी हम प्रारंभ करने वाले हैं और मैं खुद भी हाथ ठेला लेके शहर में निकलूंगा बच्चों के लिए खिलौना इकट्ठा करने के लिए। क्यों, हमारी कोई जवाबदारी नहीं है क्या अपने शहर के लिए, शहर के विकास के कामों के लिए, अपने बच्चों के लिए? कई जगह हमने आनंद केंद्र शहर में प्रारंभ किए हैं, जिसके पास जरूरत से ज्यादा हो वो रख जाए और जिसको जरूरत हो वो ले जाए। अगर 4 जोड़ी आपके पास 4 स्वेटर रखी है, आपको 2 ही की जरूरत है तो 2 रख दो उनके लिए जिनके पास स्वेटर नहीं है। मैं उनको दीन ही नहीं कह रहा, लेकिन आपसी सामंजस्य का भाव, ये आत्मिकता और स्नेह का भाव, ये हमारे शहर को आगे बढ़ाएगा और अलग स्थिति में ले जाएगा। इसलिए ऐसे अनेकों नए इनिशिएटिव हमने शुरू करने का फैसला किया है। आज हमारे बच्चे मूंग दाल ले रहे हैं, हमने किसानों से मूंग खरीदी, अब मूंग का एक हिस्सा भारत सरकार ने उठाया, लेकिन हमारे पास बाकी मूंग था तो हमने तय किया कि कुपोषण दूर करने के लिए मूंग बहुत पौष्टिक होता है और इसलिए इस मूंग को अपने बच्चों को बांट दिया जाए। जो बच्चे 5वीं तक पढ़ते हैं, आज हमने मूंग वितरित किया है, उन बच्चों को 10 किलो इस बैग में मूंग दिया जाएगा और जो बच्चे 8वीं तक पढ़ते हैं उनको 15 किलो मूंग दिया जाएगा। ये साधारण बात नहीं है, हम 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का मूंग इन बच्चों को बांट रहे हैं और इस मूंग का उपयोग बेटा बेटी भिगो के भी अंकुरित करके खाने में कर सकते हैं, दाल के रूप में भी कर सकते हैं। ये कुपोषण दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है, इसलिए हमने ये प्रारंभ किया है। अब ये मूंग दाल सब जगह राशन की दुकानों से निरंतर बटेगी। सभी आदरणीय जनप्रतिनिधि बैठे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता साथी भी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ राशन की दुकानों से ठीक ढंग से ये मूंग वितरित हो जाए, इस अभियान में लगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ अंत में, संबल योजना के बारे में। संबल योजना गरीबों का बल, सचमुच में कांग्रेस की सरकार ने संबल योजना को समाप्त कर दिया, कई नाम काट दिए। आज मैं सब शहरी गरीब बहनों और भाइयों को यह आह्वान कर रहा हूँ कि संबल 2, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना 2 हमने कल फिर से लॉन्च कर दिया है। जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उन लोगों के नाम फिर से जोड़े जाएंगे, वो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर दें और आवेदन देने के बाद हम केवल थोड़ी सी एक प्रक्रियात्मक जो चीजें हैं वो देखेंगे और उनका नाम जोड़ के उनको फिर से कार्ड बना के दे दिया जाएगा। संबल लोगों की जिंदगी बदल देती है। बेटा बेटी को जन्म अगर गरीब बहन दे तो जन्म देने के पहले 4,000, जन्म देने के बाद 12,000 रुपया हम देते हैं। बेटा बेटी की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है, यहाँ तक कि मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अगर वो जाएंगे, IIT IIM में जाएंगे, क्लैट के माध्यम से अगर लॉ कॉलेज में उनका एडमिशन होगा या विदेश की अच्छी यूनिवर्सिटी में भी उनका एडमिशन होगा तो फीस चाहे कितनी भी हो उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। बेटियों की शादी का हमने अभियान प्रारंभ किया है। मैं अभी शहरी क्षेत्र में कहना चाहता हूँ, भूपेन जी मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि अभी तो कोई चुनाव की आचार संहिता नहीं है, जब तक नहीं है और ये तो ऑनगोइंग स्कीम है, अगर हो तो भी की जा सकती है। अरे कोई बेटी धन के अभाव में फी की शादी क्यों हो, हमने 55,000 रुपए का प्रावधान कर दिया है, कई जगह धूमधाम से शादियां हो रही है, समाज और अपनी तरफ से कई चीजें उस पर जोड़ के देती है। ये कन्या विवाह योजना भी लगभग बंद कर दी गई थी, कई के तो विवाह हो गए थे तो भी उनको पैसा नहीं दिया गया, ये योजना फिर से चालू कर दी गई है। एक नहीं ऐसे अनेकों, संबल योजना में अनेकों ऐसे कंपोनेंट है, जैसे कल ही हमने 600 करोड़ रुपए से ज्यादा बांटे, किनको बांटे, एक्सीडेंट में अगर किसी की मौत हो गई परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता है, संवेदना प्रकट करने 2-4 दिन लोग आते हैं, फिर कौन पूछता है बताइए, जिंदगी तो उसी को जीनी पड़ती है, अगर कोई बहन विधवा हो गई तो जिंदगी बोझ हो जाती है। और इसलिए हमने तय किया एक्सीडेंट में मृत्यु होगी तो 4 लाख रुपया देंगे, सामान्य मृत्यु होगी तो 2 लाख रुपया देंगे, अगर अपंग का कोई आ गई स्थायी अस्थायी उसके लिए अलग राशि देंगे, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देंगे। जो ईज ऑफ लिविंग की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, गरीब की जिंदगी को आसान बनाने का काम वो इस संबल योजना के माध्यम से हो रहा है। और इसलिए मैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों को भी ये कहना चाहता हूँ कि संबल योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अभियान प्रारंभ हो रहा है, इसमें भी आप भाग लें। संजीवनी क्लिनिक की बात आई, आपने देखा भी ये संजीवनी क्लिनिक सचमुच में छोटी मोटी बीमारियों के लिए संजीवनी बन जाएंगे। हर एक कॉमिडी अस्पताल, जयप्रकाश अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, सर्दी जुकाम बुखार तो आपके वार्ड के आसपास ही आपको छोटा अस्पताल मिलेगा, जहां आप डॉक्टर को दिखाएं आप वहीं ठीक हो जाएं। बड़े अस्पतालों में भीड़ भी कम होगी और घर से ज्यादा दूर आपको